नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग जो है साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। सीटेट जूनियर लेवल का जो एग्जाम फरवरी 2014 में हुआ था। दोस्तों, इसके पहले हमने कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी की थ्योरी कंप्लीट की है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, इस क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो ये बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस गिवन द अबव स्टेटमेंट। तो ये बोल रहा है कि इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं ब्लड में क्या होता है। ब्लड में यूजफुल और हार्मफुल प्रोडक्ट दोनों होता है, किडनी के पास जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप में ई होगा, जो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको ब्लड के द्वारा दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसके बाद कौन सी स्टेप आएगी, इसके बाद डी आएगा। इसके बाद जो अब क्या बचा ब्लड में, ब्लड में बचा हार्मफुल सब्सटेंस या जो वेस्ट बचा, उसको क्या है, किडनी के द्वारा यूरिन के रूप में फिल्टर कर दिया जाता है। इसके बाद क्या आएगा, तब दोस्तों ए आएगा। अब जब यूरिन बन गई तो यूरिन क्या होगा, यूरिन यूरेटर के द्वारा कहाँ ले जाया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। तो इसके बाद सी आएगा। दोस्तों, इसमें बी दे रखा है तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हुआ। इसके बाद क्या होगा, यूरिन जो है ब्लैडर में स्टोर्ड रहेगा। इसके बाद वो यूरिथ्रल ओपनिंग से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो है ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये हमारी किडनी है, इसमें जो है फिल्ट्रेशन के द्वारा इसमें यूरिन बन जाता है। इसके बाद इसे यूरेटर के थ्रू, ये यूरेटर है इसमें बताया गया है, यूरेटर के थ्रू किडनी, यूरेटर के थ्रू क्या है, यूरिन को कहाँ लाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ये ब्लैडर में हमारे स्टोर हो जाता है। जब यूरिन फुल हो जाता है तो हमें एक सेंसेशन जो हमारे न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन को जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, यूरिथ्रल ओपनिंग से होते हुए यूरिन बाहर निकल जाता है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल पढ़ा रहे थे तो थ्योरी में अच्छे से बताया है। अगर आपको कोई डाउट हो दोस्तों, तो आप वहां से जाके इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा किस लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, इसको भी हम थ्योरी में बता चुके हैं। अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका सारा फंक्शन एक सेल के द्वारा होता है। जब ये क्या करता है, अपना शेप और साइज ये लगातार चेंज करता रहता है। जब ये शेप और साइज चेंज करता है तो उस दौरान क्या होता है, इसमें कुछ फॉल्स फीट निकलते हैं, जिसे हम स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इसका फंक्शन होता है फूड को कैप्चर करना और इसके मूवमेंट में हेल्प करना दोस्तों। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। थ्योरी में इसके बाद भी हमने बताया था कि जब फूड कैप्चर हो जाता है तो वो फूड वैक्यूल में जाता है, फिर वहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा उसका डाइजेशन कर लिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है। दोस्तों, इसको हम बता रहे थे कि फंजाई, जितने फंजाई, ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, जितने भी फंजाई होते हैं वो सब क्या है, डिकम्पोजर का काम करते हैं। ये बेड बग है दोस्तों, ये ब्लड को सक करता है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल सो रहा होता है, धीरे धीरे करके उसके ब्लड को सक करता है। लीच क्या है, ये तो ब्लड सकिंग पैरासाइट है ही, जिस होस्ट पे रहता है उसी से ब्लड सक करता है। कस्कुटा क्या है दोस्तों, इसको भी हमने थ्योरी में बहुत बार बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे पैरासाइट प्लांट का एग्जांपल बताओ, तो कस्कुटा या मरबेल एक पैरासाइट प्लांट होता है। एल्गी क्या होती है, एल्गी दोस्तों खुद अपना भोजन बनाती है, तो ये फोटोसिंथेसिस करती है। लाइस क्या है, लाइस ये भी ब्लड को सक करती है। कहाँ से, हमारे हेड से, आईब्रो से और आईलैसेस से। मशरूम क्या है दोस्तों, मशरूम एक फंजाई है, ये भी डिकम्पोजर का काम करती है। और जो लाइकेन है, लाइकेन ये क्या करता है दोस्तों, ये पैरासाइट नहीं है, ये सिम्बायोसिस
सिम्बायोसिस शो करता है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको कई बार मैंने बताया, सिम्बायोसिस रिलेशन लाइकेन किसके साथ शो करता है। तो दोस्तों इसमें पैरासाइट कौन कौन से हुए, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ और एफ हुआ, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि इसमें नेम ऑफ साइंटिस्ट दे हुए हैं और उनकी डिस्कवरी दी हुई, तो उसको मैच करना है। दोस्तों इसको हमने जब कक्षा 8 की हम एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो पहले लेक्चर में जब हमने रबी और खरीफ की फसल बताई थी, तो उसमें इस चैप्टर को बहुत डिटेल में बताया था। उसमें हमने बताया था कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब एक बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस प्लेट पे कुछ स्पोर हैं ग्रीन मॉल्ड के, जहाँ पे ये स्पोर है वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। तो इससे ये लगा कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को ये स्पोर क्या कर रहा है, किल कर रहा है, तभी तो वहाँ नहीं ग्रो कर रहा है। तो उन्होंने इस मोल्ड से क्या बनाई, एक पेंसिलीन बनाई। तो ए का क्या हुआ दोस्तों, ए का ऑप्शन 4 हुआ। फिर एडवर्ड जेनर ने क्या किया दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई 1798 में। तो इसके बाद क्या हुआ, बी का क्या हुआ, बी का 5th ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया दोस्तों, तो ये वाला करेक्ट है। लुई पास्चर क्या थे, लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की। फर्मेंटेशन में क्या होता है, शुगर किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में। रॉबर्ट कोच ने क्या खोजा दोस्तों, इन्होंने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया खोजा और बताया कि इससे एंथ्रेक्स बीमारी होती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है किसके लिए, लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है किसके लिए, वाइल्ड वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, और जो जो ट्रेडिशनल तरीके से आदिवासी लोग, ट्रेडिशनल तरीके से आदिवासी लोग रह रहे होते हैं, उन सभी के लिए क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो इसका मतलब, इसका ऑप्शन चेक करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पेसीज वनली, नहीं, अभी हमने बताया कि इसमें हर कोई कंजर्व होता है, लार्ज एरिया होता है, इसमें प्लांट भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, और जो ट्रेडिशनल तरीके से जीवन यापन कर रहे होते हैं वो लोग भी इसमें आते हैं। तो ये क्या है, दूसरा ऑप्शन एरिया है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वनली, तो ये भी रॉन्ग है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन क्या है, मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया, तो ये करेक्ट है। अभी हमने बताया इसमें हर टाइप के एनिमल पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और कल्चर ऑफ द एरिया, आपने हमने अभी बताया कि इसमें आदिवासी लोग भी जीवन यापन करते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद का क्या है, चौथा ऑप्शन, ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉर द फ्रीली यूज हैबिट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये किस में आता है, ये नेशनल पार्क की डेफिनेशन है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान की, याद रखिएगा इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये सही है। अभी हमने बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सिंगल सेल होता है, सारा फंक्शन जो है एक ही सेल के द्वारा होता है, तो ये भी करेक्ट है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो प्रोकैरियोटिक है, तो ये भी सही है। प्रोकैरियोट में और कौन आएगा, बैक्टीरिया आएगा, माइकोप्लाज्मा भी आता है। दोस्तों डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यूकैरियोटिक डू नॉट है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो दोस्तों ये रॉन्ग है। प्रोकैरियोटिक के पास कोई भी न्यूक्लियर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसमें करेक्ट क्या है, ए बी सी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो डायग्राम दे रखा है इसमें पोजीशन मार्क करो एंडोक्राइन ग्लैंड की ह्यूमन बॉडी में, जो ए बी सी लेटर से दिखाए गए हैं। तो दोस्तों ए क्या है, ए हमारी पिट्यूटरी है, और बी हमारी थायराइड ग्लैंड है, सी हमारी किडनी के ऊपर जो होती है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है, और डी हमारा पैंक्रियाज है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारी पिट्यूटरी है, ये थायराइड पैराथायराइड है, ये हमारी क्या है, ये हमारी एड्रिनल है, और ये वाला हमारा पैंक्रियाज है दोस्तों। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए पिट्यूटरी, ए पिट्यूटरी 4th में है, फिर बी थायराइड होगा दोस्तों, इसमें बी पैंक्रियाज दे रखा है, तो ये रॉन्ग है, 4th और 1st ऑप्शन करेक्ट है।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई में ABCD की लेबलिंग है, तो इसमें ABCD की करेक्ट लेबलिंग क्या है? हम सभी जानते हैं जो आई बॉल होता है ह्यूमन का, इसकी 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर स्क्लेरा होती है, आउटर स्क्लेरा होती है। ये क्या बनाती है? आउटर स्क्लेरा होती है। इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है, इसका एंटीरियर पोर्शन क्या बनाता है दोस्तों? इसका एंटीरियर पोर्शन कॉर्निया बनाता है। इसके बाद की लेयर क्या होती है? सेकंड लेयर। सेकंड लेयर क्या होती है? सेकंड लेयर जो होती है वो कोरॉइड होती है। इसका एंटीरियर पोर्शन ये किससे बनती है? एंटीरियर पोर्शन पोर्शन ऑफ कोरॉइड से क्या बनती है? कोरॉइड से सीलियरी बॉडी बनती है दोस्तों। ये लेंस है। लेंस सीलियरी बॉडी का काम क्या होता है? ये एक सस्पेंसरी लिगामेंट की तरह काम करती है, जिससे लेंस अपने स्थान पे पोजीशन उसकी मेंटेन बनी रहती है। ये आयरिस है, आप देख रहे हैं, और ये लेंस है। तो पोजीशन क्या पूछ रहा है दोस्तों? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट सीलियरी बॉडी है। फर्स्ट और फोर ऑप्शन में ये सीलियरी बॉडी है। बी क्या है दोस्तों? बी आयरिस है। अब हम देखते हैं बी आयरिस किस में है? इसमें बी प्यूपिल दे रखा है, तो ये रॉन्ग है। फोर में बी आयरिस है, सी लेंस है, और डी क्या है? डी अभी हमने बताया कॉर्निया है। ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा से बनता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेशन ऑफ इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई अबाउट अबाउट 1/15 सेकेंड के लिए। इमेज वस्तु का प्रतिबिंब इतने समय तक के लिए बना रहता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट पढ़ो और इसमें जस्टिफाइड करो कि फसलों को सिंचाई की जरूरत होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड डू नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो ये सही है दोस्तों। हम सभी जानते हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए इसको वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उचित टेम्परेचर चाहिए। कुछ सीड को तो जर्मिनेशन के लिए लाइट भी चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेड होते हैं ईच पार्ट ऑफ प्लांट में डिजॉल्व फॉर्म में। ये भी सही है, हम सभी जानते हैं कि रूट जो है क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को और उसको प्लांट के डिफरेंट भागों में भेजता है। फिर सी क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इम्प्रूव करता है टेक्सचर ऑफ सॉयल। नहीं, ये गलत है। टेक्सचर ऑफ सॉयल को इम्प्रूव करने के लिए हम फसल को क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट करके बो सकते हैं और उसमें जो है क्या कर सकते हैं, उसमें उर्वरक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। डी क्या बोल रहा है कि सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप मेक द सॉयल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। ये भी रॉन्ग है दोस्तों। ई क्या बोल रहा है, वाटर प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को किससे, फॉरेस्ट से और हॉट एयर करेंट। तो दोस्तों ये सही है कि जल जो है फसल की पाले और गर्म वायु दोनों से रक्षा करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जाड़ों में क्या होता है, वाटर फ्रीज हो जाता है। जब वो फ्रीज हो जाता है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान क्या होता है, एनर्जी हीट के रूप में रिलीज होती है, जो पौधों को क्या करते हैं, पौधों को गर्म बनाए रखते हैं। जबकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, गर्मियों में ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन होता है। जब ट्रांसपायरेशन होता है उसके थ्रू क्या है, पौधों की पत्तियों की बाहरी सतह ठंडी होती है। इससे क्या है, इससे जो है वाटर क्या कर रहा है, इससे हमें पता चल रहा है वाटर प्रोटेक्ट कर रहा है क्रॉप की दोनों कंडीशन में, फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट दोनों से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ए बी और ई, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं ये बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि क्रोमोसोम कहाँ लोकेटेड होता है, न्यूक्लियोलस में, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जीन लोकेटेड होता है क्रोमोसोम में, ये सही है। तीसरा ऑप्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, ये रॉन्ग है। दोस्तों हम सभी जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ही होता है सिंगल सेल, इसका सारा फंक्शन एक सेल के थ्रू होता है। इसमें रेस्पायरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, वो बडिंग या बाइनरी फिजन किसी भी रूप में हो सकता है। डी ऑप्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है, कंट्रोल करना एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल, तो ये सही है।
इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए बी और डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों जब हम सेल चैप्टर पढ़ा रहे थे तो ये सब हमने डिटेल में बताया था, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम वर्क करता है किस फ्रिक्वेंसी पे। दोस्तों ये वर्क करता है अबव 20,000 हर्ट्ज पे। दोस्तों एक नोट है, इसको हम अभी पढ़ाएंगे कि जो ह्यूमन ईयर होता है, ह्यूमन ईयर होता है वो 20 हर्ट्ज के नीचे, 20 हर्ट्ज के नीचे और अबव 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की आवाज़ को नहीं सुन पाता, नहीं सुन पाता। सुन किसको पाता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की साउंड उसको ऑडिबल होती है, ऑडिबल होती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आयरन का, उसको टेबल के टॉप पे रखा गया है, उसका डिफरेंट फेस टच कर रहा है टेबल को, तो वो बोल रहा है डिफरेंट केस में सॉलिड ब्लॉक एग्जर्ट करेगा कितना फोर्स और प्रेशर। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं F बराबर MA होता है, चूंकि ब्लॉक आयरन का है तो मास उसका सेम है क्योंकि वो टेबल पे रखा गया है, तो वो फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा, सेम फोर्स। और प्रेशर के लिए हम सभी जानते हैं F बाई A होता है। दोस्तों चूंकि फोर्स सेम है तो एरिया जितना ज़्यादा वो टच करेगा उसका प्रेशर उतना कम होगा, जितना कम एरिया टच करेगा उसका प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आंसर करेक्ट क्या होगा, सेम फोर्स बट डिफरेंट प्रेशर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों एनिमल सेल का डायग्राम, चूंकि अब इसने एनिमल सेल दे दिया। दोस्तों जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हमने एक्सक्लूसिवली बताया था कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल और प्लास्टिड, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और जो वैक्यूल होती है वो प्लांट सेल में 90% सेल में होती है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटी होती है, छोटी होती है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ए तो सेल वॉल दे रखा है, ये तो गलत है, फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल गलत है। पहला क्या है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन है, अभी हमने बताया कि एनिमल सेल के पास वैक्यूल होती है। तो बी क्या है दोस्तों, वैक्यूल है, इसमें भी क्या दे रखा है, प्लास्टिड, अभी हमने बताया कि एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। सी है न्यूक्लियस दोस्तों, डी साइटोप्लाज्म है, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ऑटोमीटर की रीडिंग है 8 बजे सुबह में कितना, 36540 किलोमीटर, और 10 बजे कितना है, 10 बजे है 3666 किलोमीटर। ये बोल रहा है ये जिग जैग पाथ पे चल रहा है और उसकी क्या है, वेरिएबल स्पीड है। चूंकि इसकी स्पीड वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दोस्तों हम डेफिनेशन बता चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। चूंकि दोस्तों ये सो क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि स्पीड लगातार चेंज हो रही है और जिग जैग पाथ पे चल रहा है, इसमें स्पीड भी चेंज होती है और टाइम भी वेरी करता है। तो दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस करेंगे अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो दोस्तों टोटल डिस्टेंस क्या है, चूंकि स्पीड वेरिएबल हो रही है तो टोटल डिस्टेंस हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जब हम इसमें से इतना सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 120 किलोमीटर और टाइम आ जाएगा 2 घंटे। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, और घंटे को पहले हम चेंज करेंगे मिनट में, तो 60 से गुणा करेंगे, फिर मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको दोस्तों सॉल्व करोगे तो 17.5 मीटर पर सेकंड आएगा, तो ये आंसर थर्ड करेक्ट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि लड़के के पास क्या है, थिक पेस्ट है टर्मेरिक का, अगर वो उसमें ऐड करता है HCl और एक्व सल्यूशन ऑफ NaOH तो उसका कलर क्या होगा। चूंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टर्मेरिक क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है,
सब्सटेंस है, जब हम इसमें क्या डालेंगे, HCl, HCl हम सभी जानते हैं क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका कलर क्या रहेगा, इसका कलर पीला ही रहेगा। जब हम इसमें बेस डालेंगे, चूंकि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जब हम इसमें बेस डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर लाल हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका, येलो होगा किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड में, और लाल होगा किसमें, NaOH सॉल्यूशन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस ऑफ बिलाई, विच इनेमल द बिलाई अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। दोस्तों बिलाई होती किस लिए है, चूंकि बिलाई क्या होती है दोस्तों, बिलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और बहुत सारे नंबर में होता है, बिलाई लार्ज नंबर में होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है, 1000 इन नंबर होता है, ये सही है दोस्तों। इसके पास थिन वॉल होता है, इसके अराउंड क्या होता है, ब्लड वेसल नेटवर्क के रूप में रन करता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन क्या है, इसके पास स्मॉल पोर होता है जिससे फूड इजिली पास हो सके, ये रॉन्ग है, क्योंकि दोस्तों बिलाई का काम क्या होता है, इंक्रीज करना सरफेस एरिया को, किस लिए इंक्रीज करना सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस। तो दोस्तों बिलाई का काम क्या होता है, इंक्रीज करना सरफेस एरिया को, किस लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस के लिए। तो डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए बी और सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुछ फूड आइटम दिए हुए हैं, ये बोल रहा है इसमें से कौन सा ब्लू ब्लैक कलर देगा आयोडीन के साथ। तो दोस्तों जो ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ, वो स्टार्च का सल्यूशन होगा। दोस्तों जब हमने कक्षा 6 के एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो हमने पहले ही लेक्चर में बताया था स्टार्च के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, प्रोटीन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हम क्या लेते हैं, कोई फूड सब्सटेंस लेते हैं और उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालते हैं, अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाए तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, हम सभी जानते हैं कि आलू में स्टार्च पाया जाता है। दूसरा है बॉइल्ड एंड चिल्ड राइस, चूंकि हम जानते हैं कि चावल में क्या है, स्टार्च पाया जाता है, लेकिन ये बोल रहा है चबाया हुआ चावल। हम सभी जानते हैं दोस्तों माउथ में जब हम चावल को चबाते हैं तो क्या हो जाता है, स्टार्च का किस में कन्वर्जन हो जाता है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। माउथ में जो सेलेवरी सेलेवरी एंजाइम पाया जाता है, उसके द्वारा माउथ में जो स्टार्च होती है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके पास क्या है, स्टार्च बचता ही नहीं है, तो बी रॉन्ग है। स्लाइस ऑफ द ब्रेड, इसके पास दोस्तों स्टार्च होता है शुगर सोल्यूशन, चूंकि शुगर सोल्यूशन किसका है, शुगर एक ग्लूकोज का सोल्यूशन है, इसके पास स्टार्च नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज के पास स्टार्च नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद ऑप्शन क्या है, कोकोनट ऑयल, हम सभी जानते हैं जितने भी ऑयल होते हैं उसमें फैट पाया जाता है, तो इसके पास भी स्टार्च नहीं पाया जाता है, तो स्टार्च किस में पाया जा रहा है दोस्तों, ए और सी वाले ऑप्शन में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने सीटेट फरवरी 2014 का साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये सारे क्वेश्चन जो थ्योरी पढ़ा दिए गए हैं उसी में से हैं, आप उसको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।